गेम में ज्यादा टाइम लगा था। मेकओवर भी यही करने वाले हैं अभी आप देखोगे। और ये दिव्य इसके आज बहुत काम था करने को, इसको पढ़ने का कौन सा मेकओवर, कौन सा मेकओवर अभी देखना, कौन सा मेकओवर होता है मेकओवर तो। हाय एवरीवन, आज हम जा रहे हैं जिगर के स्कूल क्योंकि उसका है वॉलीबॉल का मैच और उसको छोड़ के हमें आज ही वापस भी आना है। छोड़ के नहीं, उसको वापस लेके ही वॉलीबॉल का मैच ख़त्म होने के बाद। तो हम निकल चुके हैं और अभी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो दूर जाना है, तो जहाँ कि उसका मैच होगा उसके स्कूल में काफ़ी दूर है। तो हम निकल चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ थी बहुत ही प्यारी सी नदी और ये है हमारी गिरी नदी और ये जो है यहाँ खैरी में है और हम खैरी पहुँच चुके हैं। और इसके बाद जो है हमें इससे भी जो ज़्यादा है वो लंबा सफ़र आगे जो है वो तय करना है। तो हम यहाँ जो है निकल गए थे और उसके बाद जो है ये और भी आगे जो है नज़दीक से नदी आप देख सकते हैं और भी सुंदर लग रही है। हमारी पहाड़ों की रानी हमारे लिए लगाया गया है चाइल्ड लॉक। सो गाइज़ हम रास्ते में जो है इंजॉय करते हुए जा रहे थे गाते हुए एंड रास्ते में थे बहुत बड़े बड़े पहाड़ और बहुत ही सुंदर लग रहे थे जो कि, और साथ में हमारी सिंगिंग ने चार चांद लगा लिए। और फिर उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव को इंजॉय करते हुए आखिरकार हम पहुंच ही गए जहां हमें जाना था, जिगर के स्कूल। और अब हम जा रहे हैं जिगर को चीयर अप करने जिसलिए हमें आए हैं, पर यहां दूर दूर तक कोई नाम निशान कुछ दिख नहीं रहा है। और ये देखिए हीरो चलता फिरता कंटेंट मेला ढूंढेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मेला ढूंढना। मेला ऐसे तो दूर से नजर आना चाहिए बट हमें ढूंढना पड़ रहा है। यस भागथन हो जाते हैं यार, पहली बार भागथन भागथन नर्सरी जा। जिगर तो पहुंच गया होगा ग्राउंड तक, उसको पता है जिगर ग्राउंड है। हम आए ऐसे ही जिगर वापस आ गया ऊपर है। जिगर कहां जा रहे हो? ग्राउंड है मेला ढूंढ के वापिस आते हुए हमारा स्पोर्ट्समैन। देखिए कष्ट करना पड़ रहा है एक ग्राउंड ढूंढने के लिए। डिस्पेंसरी गाँव गाइस सबसे डिफिकल्ट होती है एक कैमरा मैन की लाइफ और मैं हूँ इनकी वीडियोग्राफर, तो मुझे करना पड़ता है इन सभी रास्तों का सामना फोन को हाथ में पकड़ते हुए, और अगर फोन को कुछ हो जाए तो फिर हूँ मैं डेड। इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव। डिस्पेंसरी पर हम आज तो क्या ही बोले इस गांव की जिसमें हम पहली बार आए हैं आज। We don't know about this. पानी के साथ खेलते हुए पियो बिस्लरी गाइस। ये देखिए ये तो चार जहां भी जाती है वहां सुंदर लगती है। ये देखिए इनके झुमका देखिएगा शाइन करती है। जिगर कैसा लग रहा है तुम्हें मैथ से पहले, कुछ कहना चाहोगे तुम? बहुत ही अजीब। मैथ से पहले कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें? अजीब। तुम्हें क्या लगता है तुम जीतोगे आज मैच? ऑफ कोर्स जीतूंगा। और जीतूंगा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है तुम? इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। फिर मैं नहीं जीतूंगा। नहीं नहीं जीतेंगे तुम, जीतेंगे।
बातें करता है ये लड़का। जीतेगा जिगर, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा जिगर जीतेगा। गाइस मैं चलता फिर था कंटेंट। सो गाइस हम बैठे हैं यहाँ पेड़ की छांव में और नीचे इतना अच्छी ग्रीनरी और इतना अच्छा फील हो रहा है। वाव एंड फ्रेश हवा। बहुत बोर हो रही हूँ क्योंकि मैच स्टार्ट नहीं हुआ जिगर का और थोड़ी देर में होगा तब हम ऊपर जाएंगे। ऊपर बहुत धूप है बट दूसरी टीम वहाँ खेल रही है। जब जिगर खेलेगा तब हम जाएंगे उसको चेयर अप करने और फिलहाल हम यहाँ हैं और यहाँ नीचे एक बहुत सुंदर नदी है और बस ये हमारा हॉस्पिटल है। डिस्पेंसरी गाइस डिस्पेंसरी और हर अन्नू बुई जो कि या व्हाटएवर ये अन्नू बुई जो कि सभी के साथ घुल मिल जाती है। यस मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मैं बहुत कम बात करती हूँ अनजान लोगों से। सो यहाँ चल रहा था इनका वार्म अप और उसके बाद इनका जो मैच है वो स्टार्ट होने वाला था और फिर इनका जो है वो मैच स्टार्ट हो गया और फिर हमने इनका जो मैच देखा मैच काफ़ी अच्छा था। मतलब काफ़ी टक्कर का मैच था और दोनों टीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी यहाँ पे और हमें मैच देखने में बहुत मज़ा आया और हमने बहुत सारा इंजॉय किया। और फिर उसके बाद जो है जो मैच है वो जो है वो एंड तक पहुँच गया काफ़ी सारे राउंड होने के बाद। तो हमने तो फुल इन्जॉय किया चेयर भी किया और दोनों टीम ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म तो किया ही था बट जितना किसी एक को था तो एक टीम जीत गई और एक हार गई और उसके बाद जो है वो पूरा जो है वो मैच जो है वो समाप्त हो गया यहाँ पे। एंड ये जिन्होंने बिल्कुल चेयर अप नहीं किया जिगर को फ्री फंड के लोग और चलो कबड्डी देखने चले वहाँ है। तो मैच खत्म होने के बाद आगे हम मार्केट में ऊपर जो कि एक छोटी सी मार्केट थी यहाँ पे क्योंकि स्कूल से काफ़ी दूर जो है ये मैच था और उसके बाद हमने यहाँ पे खाया पिया और फिर उसके बाद हम जो है वो निकल गए वापस घर के लिए खाने पीने के बाद। और रास्ते में मिला एक बहुत ही सुंदर सा जो है वाटरफॉल और बहुत ही सुंदर व्यू था। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टाटा एंड बाय बाय।